अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूशिव का इत्माम कर लीजिएगा। ये जो है ना गाजरें, 1 किलो गाजरें हैं, ये मैंने कट करके रख ली थी। इसको अपने ही पानी में हम गलाएंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं गाजर का हलवा। लेकिन दुरूशिव का इत्माम आपने कर लिया होगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले और स्पेशली खाना पकाने से पहले तो हम ज़रूर दुरूशिव का इत्माम करते हैं। अच्छा, इसको मैंने जो है कश करके रखा हुआ था, तो फ्रीज किया हुआ था, तो ये थोड़ी देर में पिघल जाएगा। तो ये अपने ही पानी में इसको गलाएंगे। आगे हम स्टेप बताते हैं। हमने इंग्रेडिएंट नहीं बताए, बराह रास्त हमने जो है पकाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ मैं आपको सारे अज्जा बताती जाऊँगी कि किस किस तरह हम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 किलो दूध और फ्लेम बिल्कुल फुल रखेंगे। ये देखिए दूध अभी बाकी है, इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता ना, इन्हीं गाजर का अपना पानी भी और दूध भी, तो जब तक हम इसमें घी नहीं डालेंगे। अच्छा, मैं बनाऊंगी इसको देसी घी में, तो बस 2 से 3 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा, क्योंकि 1 किलो ये गाजरें ली थी ना मैंने और इसको जो है कश कर लिया था। अच्छा, आप इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं और कद्दूकस जो होता है इससे कश भी कर सकते हैं, तो मैंने कश किया था। अच्छा, इसको हिलाना ज्यादा नहीं है, चम्स जिसे कहते हैं ना वो नजर आ रहे हो गाजर के। 1 किलो गाजरें हैं ये, तो पक्के आपको मालूम है कि ये 1 प्लेट ही हो जाएगा। तो अब ये देखिए, अभी इसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, इसको ड्राई करते हैं। अब ये देखिए, अभी हल्का सा है इसमें, जैसे ही ड्राई होगा तो फिर हम इसमें घी डालेंगे। साइडों से ये लगे ना बिल्कुल ऐसे, इसको हिलाते रहे, इसका रंग जो है वो बदल जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ये लाल लाल रंग इतना खूबसूरत कलर नजर आ रहा है ना, ऐसे ही इसका रंग खूबसूरत सा होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह दूध बिल्कुल ड्राई जी। तो ये देसी घी डालेंगे, अब इसमें दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इलायची पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून और मैंने इसमें डाले हैं किशमिश और काजू। ऐसे मौके पे इसको भुना है और फिर मैं इसमें बेसन की भी बनाई कर रही है, बेसन की बनाई हो चुकी है। आपको मैं टिप बता रही हूँ कि जो दानेदार जो गाजर का हलवा होता है वो इसे बेसन से भी आता है, और आगे भी एक टिप बताती हूँ आपको मैं। अच्छा, अब इसमें ना इस स्टेज पर हम चीनी डालेंगे। चीनी भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, और मैंने देखे इस तरह से तकरीबन ये आधी प्याली चीनी ली है। अब इसको इस तरह चीनी के साथ हम जो है वो बनाई करेंगे। चीनी का अपना पानी होगा और इसको बिल्कुल फुल फ्लेम पे बनाना है हमें। देखें ये चीनी बिल्कुल, इसका दाना दाना जो है ना बिल्कुल वो देखें बनाई हो चुकी है, और इसके गाजर के चम्मच भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसकी खुशबू भी आ रही है इलायची पाउडर डालने से। अच्छा, अब जो हमने करना है ना, इसको ठंडा करना है थोड़ा सा। हम एक और मैं अब आपको एक टिप दे रही हूँ, ये तीसरी टिप आपको दे रही हूँ मैं, ये है सूखा दूध। सूखा दूध जो है 3 से 4 टेबल स्पून है ये। इसको पहले तो मैं थोड़ा डालूंगी इस तरह। अब इसी स्टेज पे मैं थोड़ा सा खोया भी डाल दूंगी। इसके भी दाने दाने बनेंगे, देखिएगा इसके भी दाने दाने बन जाएंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और फिर ठंडा करने के बाद भी इसमें खोया डालेंगे, बस ऐसे। बस फौरन अब चूल्हा बंद कर देना है इसका हमने, बस इस स्टेज पे अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे ताकि ज्यादा गर्म ना रहे, और इसके जो चम्स है ना सूखे दूध के और खोए के वो इसमें मौजूद रहे, तो फिर उससे दाना दाना बन जाएगा। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए अब ये थोड़ा और ठंडा हो गया है, तो इस स्टेज पे ना मैं जो सूखा दूध मैंने थोड़ा सा और बचा के रखा हुआ था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। बस इतना सा मैं रख रही हूँ इस पे छिड़कने के लिए। डेकोरेशन हम गार्निशिंग करेंगे। अब हल्का सा बिल्कुल ये समझे नीम गर्म होगा तो ये मिक्स होगा, इससे भी दाने दाने से बनेंगे। आप देखिएगा मैंने इसको ना 3 स्टेप में करके डाला है, ठीक है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए आपको दाने दाने इस तरह के नजर आ रहे होंगे, जैसे ये हलवाई के पास से हम लेकर आते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बनेगा। आप देखिएगा बहुत टेस्टी बनेगा ये। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बस अब हम आपको गार्निश करके दिखाते हैं। ये देखिए दाने दाने से आपको नजर आ रहे होंगे। Thank you.
फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।